हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी की इस एक्सरसाइज के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। क्रिकेट मैच है, ठीक है, गर्ल्स का है, तो बैट्स वुमेन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल्स बैट्समैन ने, बैट्स वुमेन ने प्ले की हैं और जिसमें से 6 बार बाउंड्री हिट हुई है, ठीक है। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि बाउंड्री हिट ना की हो, शी प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो वेरी सिंपल, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहां पर होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड 30, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड 30, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री वॉज हिट 6, ये दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री वॉज नॉट हिट, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, इस करके हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री वॉज नॉट हिट, दैट इज 30 माइनस 6, क्योंकि 6 बॉल्स पर तो बाउंड्री हिट हुई है, दैट इज 24, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बैट्स वुमेन डिड नॉट हिट द बाउंड्री इज इक्वल टू, एक ही फॉर्मूला पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, ठीक है। तो आप पहले फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो एक बार। फॉर्मूला कैसे लिखोगे, न्यूमरेटर में क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच बाउंड्री वॉज नॉट हिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड, फिर इज इक्वल टू 24/30, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.2 आंसर आ रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकेंड सम। अब प्लीज ध्यान से सुनिए क्योंकि सारा क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है, बोर्ड पे आप सुनिए ध्यान से। 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है, एंड द डाटा वॉज रिकॉर्डेड। 1500 फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली हैविंग, ठीक है, तो ये डाटा है 1500 फैमिलीज में जिनके 2 चिल्ड्रन है वो सिलेक्ट की गई है और डाटा ये कलेक्ट किया है। डाटा किस पर बेस्ड है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली पर, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन में डिवाइड यहां पर है नंबर ऑफ फैमिलीज। तो 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में पाई गई, 475, 1 गर्ल 814 फैमिलीज में, 0 गर्ल या नो गर्ल 211 फैमिलीज में। आपने फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल। तो वो यहां पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली सिलेक्टेड इज हैविंग 2 गर्ल्स 1 गर्ल एंड नो गर्ल। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1। आपको चेक भी करना है कि तीनों प्रोबेबिलिटीज का प्लस सम 1 है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने सारे एग्जांपल्स देखे थे, आपको पता है एक चीज का कि अगर किसी इवेंट, किसी भी सॉरी ट्रायल के सारे पॉसिबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करते हैं तो आंसर 1 आता है। यहां पर अगर 1500 फैमिली सिलेक्ट की गई हैं तो हर फैमिली में या तो 2 गर्ल्स होंगी या 1 गर्ल होगी या नो गर्ल होगी, तो ये तीनों ही पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके अलावा और तो है नहीं है। तो इस करके जो 3 प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करनी है, 2 गर्ल्स 1 गर्ल और नो गर्ल वाली, तो उनका प्लस 1 आना चाहिए, ठीक है। आपने ये चेक भी करना है। तो सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज सिलेक्टेड 1500, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, अब ये फॉर्मूला बार बार ना लिखना पड़े तो मैंने एक ही बार लिख दिया है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज हैविंग आई गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैमिली इज हैविंग आई गर्ल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। साइड पर आप लिख सकते हो वेयर आईज कैन बी 0, 1, 2, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स, 2 गर्ल्स कितनी फैमिलीज में थी, 475 फैमिलीज में पाई गई थी। So, 475 divided by total number of families, 1500. तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो पहले हमने 5 से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 95/300 आ गया। फिर बाद में आपने किया है, फिर अगेन 5 से आई हैव डिवाइडेड ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाए, 19/60
आप डायरेक्टली भी 25 से भी कर सकते हो, और फिर पॉइंट्स में इसका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन 0.3166 डेसिमल पॉइंट्स में, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो थ्री डेसिमल प्लेसेस 0.317 राउंड ऑफ करने के बाद. नेक्स्ट फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली सिलेक्टेड इज हैविंग वन गर्ल. सो प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली इज हैविंग वन गर्ल इज इक्वल टू कितनी फैमिलीज की वन गर्ल पाई गई, 814 टेबल में देखिए. ठीक है, तो 814 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज तो 1500 ही है. इसको आप मैंने यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड किया है, 407/750. फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ रहा है 0.5426. फर्स्ट और सेकेंड आंसर दोनों आंसर में ही 6 है जो रिकरिंग है. ठीक है, ये एंड नहीं है इस आंसर का. तो हमने लेकिन आंसर 4 डिजिट्स तक डेसिमल प्लेसेस तक लिखा है एंड राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहां पर फिर बन जाता है 0.543. अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग नो गर्ल. ठीक है, तो नो गर्ल है, कितनी फैमिलीज की नो गर्ल्स पाई गई, 211. तो यहाँ पर सेम तरीके से हम करेंगे 211 डिवाइडेड बाय 1500 और डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है 0.140. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं, हमने फाइंड की हैं. और क्वेश्चन में एक और चीज कही गई थी कि सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो वो अभी आपने चेक करना है. तो चलिए अब चेक करते हैं कि 3 प्रोबेबिलिटीज जो हमने फाइंड की हैं उनका सम 1 है कि नहीं है. ठीक है, तो दोबारा आप फैमिली हैविंग 2 चिल्ड्रन, इसमें काफी टाइम वेस्ट जाएगा, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल लिखा है शॉर्ट में. और मुझे नहीं लगता कि ऐसा लिखने से आपके मार्क्स कटने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, इज इक्वल टू, तो एक तरीका तो ये है कि अगर आपने डेसिमल प्लेसेस में आंसर निकाला है, 3 प्लेसेस को राउंड ऑफ किया है, तो उनको आप आंसर को प्लस कर दीजिए और यहां पर आप प्लस करोगे तो आंसर 1 आ रहा है. दूसरा तरीका यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आप राउंडिंग ऑफ ठीक नहीं करते. ठीक है, किसी वजह से पॉइंट्स में गड़बड़ हो जाती है यहां पर, तो इससे भी बेटर तरीका है कि इस तरह प्लस करने का. आपने जब कैसे ना वैल्यूज पुट की हैं तब तो डिनोमिनेटर देखो तीनों प्रोबेबिलिटीज में सेम ही था, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज. ठीक है, तो आप जब वैल्यू पुट की हैं तो उसी चीज में वो ये प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, वो तो आगे हमने सिंप्लीफाई किया है. इसी तरह ये प्रोबेबिलिटी 1 गर्ल की है, ये 0 गर्ल की है, तो आप यही नंबर्स यही फ्रैक्शन लीजिए. ठीक है, और इनको प्लस कीजिए, क्योंकि अब आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिनोमिनेटर तीनों ही फ्रैक्शंस का सेम है. ठीक है, और आपको पता है कि ऊपर वाला आंसर जब आप प्लस करोगे, अगर ये 1500 सारी फैमिलीज का ये डाटा था तो ऊपर आंसर आपका 1500 ही आएगा, जिस तरह यहाँ पर आ रहा है. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल करके 1 आ रहा है आंसर. ठीक है, तो इट मीन्स सो यू कैन चेक दैट दीज आर द ओनली पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस ट्रायल ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो चलिए अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन. आप पहले ध्यान से सुनिए क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है यहाँ पर. ठीक है, और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 15.1 का थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेफर टू एग्जांपल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक चैप्टर है. ठीक है, तो क्वेश्चन वहां पर लेना है एग्जांपल में से, फिफ्थ एग्जांपल से. और फाइंड क्या करना है आपने, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट. तो मैंने पहले ये क्वेश्चन रीड किया है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन ऑगस्ट. चलिए पर पहले इस मतलब ये लिखने के बाद अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक के. अब हो सकता है आपने स्टैटिस्टिक चैप्टर किया हो या ना किया हो पहले. ठीक है, तो मैं रीड कर रही हूँ, थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा. लेट अस सी कि आप क्वेश्चन समझ पाते हो कि नहीं. इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. ठीक है, 9th class के किसी section में 40 students हैं और 40 students से पूछा गया कि वो किस month में born हुए थे और accordingly data collect करके graph बनाया गया. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये bar graph है. ठीक है, now bar graph में यहाँ पर देखिए x और y axis हैं. Y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स.
सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सेस में प्लॉट किए गए हैं, मंथ्स ऑफ बर्थ एक्स एक्सेस पे, ठीक है। तो डाटा से ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है। तो आप देखो जैन में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, उन 40 बच्चों में से किन का बर्थ जनवरी में हुआ है, यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स का, फरवरी में हुआ है 4 स्टूडेंट्स का। इसी तरह आप इस बार ग्राफ को देखकर आपको क्वेश्चंस आने चाहिए कि कितने बच्चे किस मंथ में बॉर्न हुए हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम इस चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, तो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में यही क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर में हमें फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑफ द क्लास वॉज बॉर्न इन ऑगस्ट। कितने बच्चों की क्लास या कितने बच्चों का डाटा कलेक्ट किया गया है, 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही अपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, कितने हैं 40, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन ऑगस्ट देखने हैं, तो ऑगस्ट, ये ऑगस्ट है, ऑगस्ट में कितने बच्चे बॉर्न हुए हैं, 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन ऑगस्ट इज 6। अब तो बहुत ईजी है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो अ स्टूडेंट इज बॉर्न इन ऑगस्ट। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉर्न इन ऑगस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो 6 डिवाइडेड बाय 40, इसको आप 2 से कर दीजिए कैंसिल, सो 3/20, आंसर आ रहा है आपका 0.15। मैंने ये बार ग्राफ बनाया है आपको, मैं ये बनाने की आंसर में ये बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन में जो टेबल दिया होता है वो बच्चों को आंसर में बनाने की जरूरत नहीं होती, मुझे ड्रॉ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डाटा आपके सामने होगा तभी ही आपको आंसर समझ में आएगा। होप सो दिस इज क्लियर, वेरी इजी, सिर्फ ये दिखने में आपको एक बार लग जाएगा अगर स्टैटिस्टिक चैप्टर नहीं किया तो, कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट है क्वेश्चन, बट दिस इज वेरी वेरी इजी सा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए, मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। 3 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, 3 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। ये टेबल दिया नीचे, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है डिफरेंट आउटकम्स की। आउटकम कौन से पॉसिबल है, हेड से, हेड की बात करें, हो सकता है तीनों कॉइंस में हेड आ जाए, 2 कॉइंस पर हेड आए बाकी 1 टेल आ जाए, या 1 हेड 2 टेल्स आ जाए, या कोई भी हेड ना है, 0 हेड या नो हेड हो, सारे ही टेल्स हो, यही पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 200 टाइम्स टॉस करने पर 23 बार 3 हेड्स आए हैं, 72 टाइम्स 2 हेड्स आए हैं, 77 टाइम्स 1 हेड आया है, और 28 बारी कोई भी हेड नहीं आया, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इफ द 3 कॉइंस आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, इफ द 3 कॉइंस, अगर उन 3 कॉइन को हम दोबारा टॉस करें, ठीक है, तो कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स विल कम अप आपको फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पर पहले टोटल नंबर ऑफ, आपको पता है हमेशा प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स देखते हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3 कॉइंस वर टॉस्ड 200, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3 कॉइंस वर टॉस्ड 200। नेक्स्ट है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड्स कमिंग अप की। तो देखिए कितने नंबर, कितनी फ्रीक्वेंसी है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड्स आए हैं, 72 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स या नंबर ऑफ टाइम्स आउटकम वॉज 2 हेड्स 72। तो फाइंड कीजिए फॉर्मूला यूज करके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 हेड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स 3 कॉइंस वर टॉस्ड, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 200। इसको पहले आप 2 से कैंसिल कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, 36/100, इट इज वेरी इजी, 0.36। उम्मीद है जो 4 सम्स हमने एक्सरसाइज के किए हैं, ठीक है, तो आपको बहुत इजी लगे होंगे, ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो विल कंटिन्यू विद दिस 5th क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।